રમત ડોલે ખોટો કીનો સાગરે ચૌરાશી લાખ યોનિ મેં યે જીવ ભટકતે ચલા રહા મેરે ચૌરાશી લાખ યોનિ હો ગઈ ઇસકી કહીં ભટકતે આ રહા હૈ ક્યું ભટક રહા હૈ રાજસ્થાની શબ્દ મેં એક શબ્દ મેં કહા કે ક્યું ભટક રહા હૈ જીવ ચૌરાશી લાખ યોનિ મેં ભટક ભટક ભાઈ બેજાર ઘર મેં અપના ભૂલ ગઈ માને સદગુરુ મિલ્યા ના તો કુંવારી મેં યું રહી મેરે કો સદગુરુ મિલા નહીં ઇસલિયે મેં ભટક ભટક કે બેજાર હો ગઈ ચૌરાશી લાખ યોનિ મેં ફિર જન્મા ફિર મરા ફિર જન્મા ફિર મરા પુનરૂપી જન્મમ પુનરૂપી મરણમ પુનરૂપી જનની જટતે શરણમ બાર 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 જન્મ લિયા તો બોલે ક્યું તો મેને સદગુરુ મિલ્યા ના તો કુંવારી મેં યું બોલે મેરે કો ગુરુ નહીં મિલા ઓર જબ તક હમારે ચિત્ત મેં હમારે સંતો કે પ્રતિ હમારે ગુરુ કે પ્રતિ આદર ના હો સમ્માન ના હો હમ હમારે ગુરુ કો હમારી ભાવ વ્યતીત કરે ઓર હમારે ગુરુ સે હમારા રાસ્તા પૂછે તબ તક યે 84 લાખ યોનિ કા અપ ડાઉન ચલતે હી રહેગા કેમ તુકારામ મહારાજ ને કહા સંત દયાળા દયાળા કરી સર્વાંચા સાંભળ ગૌતમ બુદ્ધ ભગવાન ને કહા જલતા શિખર અગ્નિ જૈસે બસ સારા સંસાર જલતા વૈસે એ સંસાર જલ રહા હૈ પહાડ આપ દૂર સે દેખતે હો કોઈ આગ લગા દે તો જલતે રહેતા હૈ લેકિન આપ કોઈ કાબુ નહીં હૈ આપકા કે આપ વહાં જાકે બુઝા દો ઉસકો इसलिए संत कहते कि ये संसार बिल्कुल जल रहा है जलता शिखर अग्नि जैसे बस सारा संसार जलता है इसी प्रकार से ये संसार जल रहा है मेरे भाई बहन असो काई गफलत में आ गयो अब तो जागो रे ऐसे गफलत में ये जीव पड़ गया संसार में बाबा क्या अब बस एक साल हो गया एक साल रहेगा रिटायर होने का अब रिटायर हो जाएंगे फिर बस आपके साथ रहना है भगवान का भजन ज करना है पर जितने जितने रिटायर हुए उतने ज्यादा ही पसे रिटायर सरकार तरफ से तो रिटायर हो गए लेकिन उधर फंस गए असो कहीं गफलत में जागो अब तो जागो रे ऐसी माया के गफलत में फंसा सर्विस पर था तब तो भी आ जाता था चलो छुट्टी दिन है चलो बाबा के पास चले लेकिन रिटायर हो गया तो भगवान अरे भाई रिटायर का मतलब ये है सरकार ने भी आपको वो कहा शास्त्र भी कहते हैं सरकार तो आपको 60 साल के बाद रिटायर करती है 58 साल के बाद लेकिन उसके पहले ही हमारे शास्त्र हमारे संत रिटायर करते हैं 50 साल हो गए मनुष्य को 50 साल तक संसार में रहना चाहिए और 50 साल के ऊपर आंकड़ा क्या आता है बोलो 51 52 तू अब घर छोड़ के वन में जा भगवान का भजन कर तपस्या कर लेकिन जीव जाता नहीं असो काहीं गफलत में अब तो जागो रे अवसर आ गोरे कर सुमिरन मन को डोले गागो अवसर आ गोरे कर सुमिरन मन को डोले गागो अवसर आ गोरे आलम चोर उठ कर अब तो भक्ति पाही गागोरे उठ कर अब तो भक्ति मानी लागो रे Yeah.
आलस छोड़ उठकर अब तू भक्ति माई लागे। अरे अब आलस छोड़ दे, जो गया उस पर अब चिंता मत कर, लेकिन अब वर्तमान को संभाल। मनुष्य को मेरे भाई बहन भूत और भविष्य का कोई भी चिंतन नहीं करना चाहिए। क्या हो गया, क्या होने वाला है, भूत और भविष्य में नहीं जाना चाहिए। वर्तमान कि मुझे अभी वर्तमान में क्या करना है। कई लोग कहते क्या करे बाबा, बहुत पापी है। अरे ठीक है, हो गया उसको छोड़। जब जागे तब प्रभात, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेल कहां जो सोवत है। ठीक है, जितने दिन हो गया, लेकिन अब जाग जा, छोड़ दो। भूतकाल चला गया कि क्या होगा उसको छोड़ दो, और भविष्य की भी चिंता मत करो कि अब भविष्य में क्या होगा। नहीं, वर्तमान जियो कि अब जो हुआ, जो हो गया, लेकिन अब मुझे कैसा जीना है, अब मुझे कई क्या करना है। आलस छोड़ उठकर तू तो भक्ति माई लागो। आलस को छोड़ दे कि नहीं, अब भक्ति करनी है परमात्मा की। जो हुआ हो गया, लेकिन अब मैं सावधान हो गया। सावधान, जब मनुष्य सावधान हो जाए तो फिर मेरे भाई बहन ये सब राड़ा नहीं आएगा। लेकिन हम सावधान होके जीते नहीं, बेसुध होके जीते, असावधान हो। कभी कह रहा है कि आलस छोड़ के उठ के अब तू भक्ति में ही लग जा, बोले भक्ति कर ले। परमानंद हरि ने पहचान दुविधा त्यागो रे। अरे वो भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, ये छोड़ दे, ये दुविधा छोड़ मन में से। वो भगवान और मैं एक ही हूँ। जब भक्ति के रास्ते पर जीव चलेगा तब ये दुविधा मन में से हट जाएगी कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुकाराम महाराज कहते हैं, आदि केला तुका सत्संग, मग तुका झाला पांडुर। पहले मैंने सत्संग किया, पहले मैंने हरि का भजन किया, मैंने संतों का संग किया, और फिर मैं पांडुरंग तुल्य हो। ब्रज की गोपियां कहती है, लाली मेरे लाल की चित देखूं कित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैंने कृष्ण को देखने के लिए गई थी सखी, लेकिन मैं ही खुद कृष्ण बन गई। भगवान का सुमिरन करते करते, चिंतन करते करते भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो निरंतर मेरा भक्त अतिशय श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव से जो मुझे भजता है, श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त, उसका मैं सदा साथ में रहूं। तो ऐसी जो परमानंद की जो प्राप्ति है मेरे भाई, ये दुविधा तभी जाएगी कि मैं भगवान नहीं हूं। जब तक हम भगवान की शरण नहीं जाएंगे, गुरुओं की शरण जाके हम सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भक्त प्रहलाद को ये पूरा समझ में आया है अपने गुरु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से, कि सब में वो ब्रह्म समाया है। और वो अपने पिता को कहता है, पिताजी आप मुझे मार नहीं सकते, बहुत उपाय किया। मैं आपको शॉर्टकट में कहूं, उबले हुए तेल की कढ़ाई में बिल्कुल इतना तेल उबाना गया, उसमें प्रहलाद को फेंक देते, लेकिन वो उबला हुआ तेल उसके लिए फूल बन जाता। जो तो को काटा बोवे वाको वो तो फूल, जो आपके लिए काटे बोता है ना, तो वो काटे आपके लिए तो फूल हो जाते, दूसरे के लिए काटे हो जाते। प्रहलाद के पिता के लिए बहुत सारी घृणित कार्य किया गया, बहुत, और आखिर में सारे उपाय
प्रहलाद के पिता के हिरण्यकश्यप के खत्म हो गए और अब आई उसकी फूफी। बोले भैया भैया, बोले छोटा सा बालक नहीं मानता है, बोले आपको लाओ, बोले हाँ, बोले इसको मारना है। तो बोले तो छोटी सी बात, शक्कर खिला शक्कर मिले, चक्कर खिला चक्कर मिले। अब जो है इसकी वो बोलते हैं ना एक भाषा में, छोटा था मैं सुनता था, बोले तीतर की मौत आए तो पारदी के घर के पीछे जाके बोले, वो पहले पारदी लोग रहते ना लाहुरी तीतर पकड़ने वाले, तो बोले तीतर की मौत आए तो घर पारदी के घर के पीछे जाके बोले। अब ये मौत आई होली का, होली का जो है ये प्रहलाद की फूफी महाराज हिरण्यकश्यप की बहन, और इसको जो है भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था, वो रोज अग्नि स्नान करती थी रोज। तो भैया बस मेरे तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल, इसको जला जला। बोले ठीक। तो प्रहलाद को गोद में लिया है ये होलिका ने, होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अब मंत्र पढ़ा। अब मंत्र पढ़ा तो जिसके पहले तो आग बाहर से लगती थी, आज आग जो है फूफी को ही आग लगने लग गई। अब आग लगी लगी आग फूफी जली, और फिर ब्रह्मा जी को चले, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी तेरा वरदान झूठा झूठा, ऊपर से आकाशवाणी होती, मेरा वरदान झूठा नहीं है होलिका, जो दूसरों को मारने के लिए इस शक्ति का उपयोग करेगा वो खुद जलेगा। मैंने तुझे तेरी स्वयं की रक्षा के लिए, तुझे स्वयं को अग्नि स्नान के लिए ये वरदान दिया था, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए नहीं। कहते हैं कि उस समय जो है, अब कुछ तो प्रहलाद के पक्ष के भी लोग थे ना उस जमाने में, और कुछ होलिका के पक्ष के। तो जब होली जल गई होलिका और गिर पड़ी, तब तुम चिल्लाते हो कि नहीं? अब मैंने वो नहीं करूंगा। और फाग भी गाते हो, वो फाग मुझे आता लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं साधु हूं। उसको गाली देते हैं कि फीकी पड़ गई। जो दूसरों को सताएगा वो खुद ही दुखी होगा। प्रहलाद को सताया लेकिन प्रहलाद कुछ जलते नहीं, और ये होलिका गिरी तो उस समय जो प्रहलाद के पक्ष के लोग थे तो वो प्रहलाद को पकड़ा और खींचा, आग से बाहर निकाला। तो इसके लिए आज भी जो तुम होली जलाते हो ना, होली की पूजा करते हो, और जब होली के अंदर नारियल रखते ना, तो वो नारियल है प्रहलाद। होली को जलाने के बाद वो नारियल को बाहर निकाला जाता है। उस समय जो है प्रहलाद पक्ष के लोग कि ये जल गई मर गई, अपने बेटे को बचाओ, अपने प्रहलाद को बचाओ, इसलिए आग में से प्रहलाद को खींचा। वो जो नारियल आज जो उपयोग करते हैं वो नारियल प्रहलाद है। और ये होली फिर जो सब कुछ हुआ, तो अब ये होली सतयुग में प्रकट हुई, जैसे जली। फिर अब जलने के बाद जो है होली पक्ष के सब, वो होली हुई उसके बाद में कुछ काल बाद सतयुग में ही महाराज प्रहलाद के ही वंशज में महाराज बलि हुई। राजा बलि के द्वार मची है होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची है होली, राजा बलि के।
जो कलर आपको दिया जा रहा है वो लगा लगा ही अभी से जब हम कहेंगे तब लगाएंगे, केवल हाथ में लेके रख लीजिए एक कलर आपके हाथ में लेके रख लीजिए, जब हम बोलेंगे तब आप लगाना एक दूसरे को कलर लगाना। होली खेलने का मतलब ये है कि बड़े बहुत दिन की साजिश हो, अरे तूने गाली दिया है अब मारू तुझे, नहीं मारना नहीं है, बड़े प्यार से लगाना है कि मैं भगवान कृष्ण को कलर लगा रहा हूँ, भगवान कृष्ण के साथ होली खेल रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, राधा कृष्ण बन के आए होली खेलने के लिए। होली पहले महाराज बलि के द्वार पर खेली गई है होली, चलो बजाओ। पहले बलि की यहाँ होली खेली गई, फिर उसके बाद कुछ दिन तक ये होली चलती रही, फिर त्रेता युग के मध्य में भगवान राम जी अवतार लिए। त्रेता युग के मध्य में जब भगवान राम जी का अवतार हुआ तो भगवान राम जी ने भी ये होली को और प्रकट किया, राम अवतार में त्रेता में ये होली मनाई गई। फिर उसके बाद द्वापर के अंत में राधा और कृष्ण ने होली खेली, इसलिए राधा और कृष्ण के साथ अपने को होली बाद में खेलनी है। होली का मतलब है हे हरि हे कृष्ण हे पांडुरंग, अब तू मेरा हृदय भक्ति से रंग दे होली के रंग में, भगवान के संग होली खेलनी है मेरे भाई। भाई सामने वाले को कोई जीव देखकर होली नहीं खेलनी है, वो आत्मा वो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण ही है राधा। Oh,
अब ये होली को जो है महाराज बलि इतनी सुंदर होली मनाए, उनके राज्य शासन में। फिर बाद में जो है त्रेता युग में भगवान श्री राम जी होली खेले। तो जब होली में थोड़ा बिल्कुल जो बोलेगा उसको कलर मत देना, बस चुपचाप बैठ रहे हो। वो कलर देने वाला भाई या तो बच्चियां आपके पास आ जाएगी दे देगी, कलर के लिए चिल्लाना नहीं। अभी थोड़ी देर शांति से बैठे रहेंगे, कलर की पूरी हाथ में लेकर, उसके पहले आपको फूलों की होली देखना है। फूलों की होली होगी, उसके पश्चात आपको कलर लगाना है एक दूसरे को। अभी पहले फूलों की होली होगी भगवान राधा रानी और ठाकुर जी के साथ में। जय श्री कृष्ण। तो मेरे भाई बहन, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। तो उस समय जब भगवान राम जी वनवास से वापस आ गए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया गया, उस समय सारी सेवा ली गई, लेकिन लखनलाल सेवा से वंचित रह गए। तो लखनलाल को बहुत दुख हुआ। तो भगवान के पास एक दिन नाराजी में बैठे थे, तो लखनलाल जी ने भगवान को कहा, बोले प्रभु मुझे तो मेरी तो सारी सेवा ही छीन ली गई, इससे तो अच्छा था कि वनवास में थे तो आपकी सेवा करता था। तो मेरी बात सुनो, मालूम कुछ रहता नहीं होली मना रहे। बोले हम, मैं पूछा तो नरियल क्या, तो किसी को जवाब देते नहीं आया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लखन, बोले कोई चिंता मत कर, अब होली आ रही है एक महीने बाद। तो होली के अंदर जो है बड़े भाई की पत्नी जो भाभी है, भाभी से देवर मांगता है, लेकिन ये लोग उल्टे करते हैं। भाभी देवर से मांगती है, ये गलत है। लठ मारती भाभी उसको, बोले दे, कपड़ा छीन लेगी नहीं तो फिर गारा मारेगी। ब्रज में तो लठमार होली चलती है। मैंने भी एक बार लठ ठकाई थी, बापू जी और हम गए थे होली पर गए थे। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, लखन बस इससे अवसर अच्छा नहीं आएगा, अवसर आगोरे। भगवान ने कहा कि अब अवसर आया है, होली है, और होली में जो है देवर अपनी भाभी से जो मांगे वो उसकी भाभी को देना ही पड़ता है। तो बोले अब होली आई है और उसमें तू मांग लेना। जब सीता जी ने, जानकी जी ने कहा कि लखनलाल जी अब होली है, मांगो, क्या मांगते हो? जब होली खेल ली, वो फाग मांगते कि नहीं आप? या तो कुछ वो नहीं मांगते होगे, मांगते सुभाष भाई? हमारे पाल आश्रम जब होली तो फिर होली फिर साधु एक बन जाता है वो फाग मांगने वाला, और फिर नहीं दिए तो लट्ठा पड़ती है भी। तो भाभी ने, ये जो भाभी मांगती है ना, ये उलट है, ये तुम उल्टा करते हो। भाभी देवर से मांगती, नहीं नहीं, देवर भाभी से मांगता है, क्योंकि भाभी बड़ी है, देवर छोटा है, इसलिए बड़े से छोटा मांग करता है कि बड़ा छोटे से मांग करता है, सीधी सादी बात है। लेकिन उसका आता माथा कुछ मालूम नहीं, बस चल दिए, चल दिए, आ पीछे से आए आगे धकाई, ऐसा मत करो। होली करो, होली तो बहुत अच्छा उत्सव है, जीवन को उत्सव से भरना चाहिए, मुर्दे की नहीं जीना चाहिए। होली का दूसरा अर्थ है कि 12 महीने में हमारे मन में जो कचरे पड़े हुए हैं वो कचरे को फेंक दो और गले लग जाओ, होली का कलर लगाओ, प्रेम से उसके घर जाके मिलो। मिलते हैं ना आप लोग,
अभी तो होली खेलना ही बंद कर दी महाराज, शहर में तो होली खेलते नहीं कोई, कई लोग तो कलर से डरते। तो जब राम जी का जो सत्र है वो खत्म हुआ, फिर द्वापर युग आया, और द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और जब भगवान कृष्ण बाल लीला जब रज में करते हैं तो उसमें भगवान ने होली खेली। तो आज भी, अभी तो वो धीरे धीरे सब लोप हो रहा है, पहले जब पंचायती बैठती थी, जैसे तीन चार गांव के लोग मिल के बैठने का और कहना कि अब की बार होली काम नहीं जाएगी, तो उस वक्त भगवान नंद बाबा और बृष भानु जी इन्होंने निर्णय किया कि अब की होली कहां होगी। तो सब ने निर्णय दिया कि अब की होली बरसाने में होगी। राधे रानी का जो गांव है वहां पर अब की होली वहां होगी। तो कन्हैया को कहा गया कि तू वहां आ जाना बरसाने में होली खेलने के लिए। तो राधे रानी न्यूता देती है, एक भजन गा ले कि उत्सव कर ले। बोलो, टाइम बहुत हो गया तुम्हारे, पर मैं करूं क्या, तुमने लेट शुरू किया, मेरा क्या है उसमें। हाँ, अब जो है राधे रानी भगवान को बुलाती है, काना बरसाने आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। ये भजन अब हम गाएंगे और उसके साथ साथ फूलों की होली भी होगी। आप उठना नहीं कोई, बिल्कुल बैठे रह के होली का आनंद लेना है। काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाया गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाया गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाया गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाया गई राधा प्यारी। बुलाया गई बरसाने में आ जाइयो, भगवान को राधे रानी बरसाने बुला रही है। और आज जो है ना, आज भी 8 मार्च है ना, आज जागतिक महिला दिवस है। आज हमारे देश में महिलाओं को बड़ा आदर दिया गया, राधे रानी भी भगवान को आदर देके बुला रही है। तो मेरे भाई बहन, माताओं का आदर करो। हमारे देश में इंदिरा गांधी हुई पंतप्रधान बनी, एक नारी, सरोजनी नायक एक बहुत बड़ी महिला हुई, फूली बाई राजस्थान में फूली बाई नाम की बहुत बड़ी भक्त हुई, और किरण बेदी और झांसी की रानी एक महिला है, अहिल्या देवी जिन्होंने मां नर्मदा पर चल के शत्रु का
शत्रु से युद्ध किया, केवल मां नर्मदा जी पर चल के ही सामने वाला शत्रु बिल्कुल बेहाल हो गया कि ये क्या नारी है, कितनी शक्ति है जो पानी पर चल के आ रही है, इतनी भक्ति। तो ये नारी का देश सम्मान्य देश है। तो आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, इसलिए राधे रानी भगवान को बुला रही है। और मैं भी 28 मार्च को आपको तेलवाड़ी आश्रम में बुला रहा हूं मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए। एक आध्यात्मिक केंद्र हो, पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भूमि पूजन किया है, तो वहां पर आपको 28 मार्च को सभी साधु संत और गणमान्य लोग भी रहेंगे, विशेष मंत्री वगैरह जो भी आ जाए बापू जी की इच्छा से, तो सब लोग। केवल एक आध्यात्मिक केंद्र बनना चाहिए मेरे भाई बहन, मानव का उत्थान होगा तो एक आध्यात्मिक केंद्र से होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसके लिए हरेक जीव को, हरेक मानव समाज को जैसे कृष्णा कोई भी प्रसाद लिए बिना घर की ओर नहीं जाएगा, ध्यान रखेंगे प्रसाद लिए बिना घर जाना नहीं है। उसके पूर्व अभी कुछ संतों का सम्मान करेंगे हमारे आयोजक समिति, उसके पश्चात मानसिक आरती करेंगे, उसके पूर्व कुछ सूचनाएं हैं ध्यान देंगे। दिनांक 10, 11, 12 ऐसे 3 दिवसीय होली साधना शिविर पाल आश्रम में होली साधना शिविर, होली महोत्सव होगा 3 दिवसीय। कि यहाँ पर एकादशी के व्रत के लिए आपके लिए प्रणाल की व्यवस्था करने में आई है। कोई भी साधक बंधु तथा माता भगिनी यहाँ ये प्रसाद लिए बिना नहीं जाएंगे। और अभी बाबा जी के साथ आए हुए सहयोगी सारे ब्रह्मचारी साधक पूजनियों का आयोजक के तरफ से व्यवस्था करेंगे। आए हुए सारे भक्त परिवार साधकों से अनुरोध है कि कोई प्रसाद लिए बिना जाना नहीं है, सबको प्रसाद देना है। और महिलाएं माता भगिनी से विनती करूंगा देना है, सेवाधारी आपको अपने जगह पर प्रसाद पहुंचाने के लिए आ जाएंगे। अतिथि गणों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोर सिंह भाई राठौर उनके द्वारा ये तो चीज सम्मान हेतु उनको वस्त्रदान किया जाएगा। कृपया मैं अनुरोध करूंगा माननीय मोर सिंह भाई राठौड़ और उनके सुपुत्र मंगल सिंह राठौड़ से कि आप व्यासपीठ पर आकर पूजनीय संतों का सम्मान करें। सारे ब्रह्मचारी साधक भाइयों का आयोजक ज्योति जगाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, मेरा अंतर तिन मिटाओ, सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जी मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तोरे द्वार पे आए, हम सेवक तोरे द्वार पे आए, मंगल दर्शन दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जी मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तोरी आरती, शीश झुकाए करे तोरी आरती, प्रेम
सुधा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जी मेरा अंतर से मेरा मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर अति मेरा मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। श्री राधा शक्ति जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जी मेरा अंतर अति मेरा मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री हरि अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी। जीवन में पूज्य बापू अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर अति मेरा मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी कुछ हमारे संत महापुरुष बता रहे हैं, उनका हमारे मोर सिंह भाई और उनके सुपुत्र वो स्वागत कर लेंगे। जय श्री कृष्ण। और पूज्य बाबा जी का भी अभिवादन जल्दी जल्दी। चैतन्य जी महाराज, हरीश चैतन्य जी महाराज, परम पूज्य विशुद्धानंद स्वामी जी, भरत चैतन्य जी महाराज और हमारे बाहर से पधारे हुए संत लोग, उनका भी सभी का स्वागत हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। बापू जी तुम इधर से आ रहे, तुम्हारे हाथ से एवडील तू एवढ्या म्हणा जीवन कसं जी राम
बापूजी हाँ